नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा आशा भोसले का है। आशा भोसले का एक गाना है, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, और इस गीत से जुड़ा एक किस्सा आशा भोसले ने एक बार शेयर किया था। आशा ने कहा था कि मैं इस गीत को गाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन फिर बहन लता मंगेशकर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें ये गीत गाना चाहिए और इसलिए मैंने इस गीत को गाया। आशा भोसले ने कहा था कि ये गाना आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आरडी बर्मन साहब एक दिन घर आए, बाजा लिया और मुझसे गाना गाने का अनुरोध करने बैठ गए। जब मैंने उन्हें ओ आ आ आ करके मैंने उन्हें प्ले करते हुए जब सुना तो मैं थोड़ा हैरान हो गई कि आखिर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसे कर पाऊंगा। ये बातें बर्मन साहब ने कही। हालांकि मैंने बर्मन साहब को बताया कि मैं 4 से 5 दिनों के बाद गाना गाने की कोशिश करूंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी कार में मुख्य धुन का इतना अभ्यास शुरू कर दिया कि एक दिन मेरा ड्राइवर परेशान हो गया। एक बार जब हम हाजी अली पहुंचे, जहां मैं रहती हूं, तो मेरे ड्राइवर ने अचानक मुझसे पूछा कि क्या मैं अस्पताल जाना चाहती हूँ, क्योंकि उसे लगा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इसलिए मैं हांफ रही हूँ। ये वास्तव में एक मज़ेदार क्षण था और इस गाने में आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आशा जी कहती हैं कि जैसे ही मैं घर पहुँची, मैं अपनी बहन लता मंगेशकर के पास गई और गीत गाते हुए अपनी आशंकाओं को व्यक्त किया। लता जी ने कहा कि तुम भूल रही हो कि तुम पहले मंगेशकर हो और बाद में भोसले, जाओ गाना गाओ, तुम अच्छा करोगी। और इस तरीके से आशा भोसले ने इस गीत को गाया और ये गीत वाकई बहुत खूबसूरत है। आपने सुना है? नहीं सुना तो जाकर सुनिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।